कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। जहाँ बाबरी मस्जिद है वो राम जन्म भूमि नहीं है। फूट पड़े हैं मसाइल के, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इसके ऊपर भी। और आप पढ़ाते किस लिए हैं? लाइब्रेरियों के अंदर आपके हजारों किताबें किस लिए रखी हुई हैं? इनको आग लगा दीजिए। कानून बेकार और बेअसर है। मुसलमान मुल्क की आजादी के बाद इस तरह के मसाइल में घिरा हुआ है। बाबरी मस्जिद का मसला था, लेकिन उसी जमाने में मुख्तलिफ मस्जिदों के मसले, खुद दिल्ली की जामे मस्जिद का मसला है, अहमदाबाद की मस्जिद का मसला है, संभल की मस्जिद का मसला है, मथुरा है, ये तमाम मसाइल उठ रहे थे। लेकिन इस वक्त जिस तेजी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में 1991 का कानून बना था, हमें उसके ऊपर भी ये एतराज था कि बाबरी मस्जिद को इससे अलग क्यों किया जा रहा है, लेकिन किया गया, क्योंकि जमीयत उलमा ही उस केस को लड़ रही थी और हम पूरी कुव्वत के साथ जो बेहतर से बेहतर वकील थे उनको सामने लाकर हमने अपने दावे को पेश किया। और हम बार बार ये बात कहते थे कि सबूत और शवाहिद की बुनियाद के ऊपर, यानी कानूनी दलाइल की बुनियाद पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा हम उसे कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कि मस्जिद अपनी जगह है, किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई, यानी जहां बाबरी मस्जिद है वो राम जन्म भूमि नहीं है, ये फैसला कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में ये दलील थी, सर्वे हुआ था, सर्वे से साबित हुआ कि यहाँ कोई दूसरी इमारत नहीं थी। लेकिन एक दूसरा फैसला कि हम ये मस्जिद अखाड़े को देते हैं, इसकी कोई दलील, कोई सबूत, कोई शवाहिद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, आप खुद दुनिया को देखें, मुल्क को देखें, इस फैसले ने कि हम अकीदे की अकीदत की बुनियाद पर इस मस्जिद को तोड़वा करके हम अखाड़े को देते हैं, इसने जो रास्ता दिखलाया है, उस रास्ते दिखलाने के बाद फूट पड़े हैं मसाइल के, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इसके ऊपर भी। इसका मतलब है कि कानून के रास्ते के ऊपर चलना, जो कोर्ट का इम्तियाज था, सिर्फ बाबरी मस्जिद के फैसले ने एक रास्ता दिखलाया कि नहीं, इन तमाम कानून और कवायद की लाइब्रेरियों को, इनके किताबों को आग लगाओ, कोई चीज नहीं है। फैसले मजहब के अंदर जो भी होंगे वो अकीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे, अकीदतमंदी की बुनियाद पर होंगे, तो मुल्क कैसे चलेगा? ये तो एक तस्वूर ये दिया जा रहा है कि जहां भी अक्सरियत इस मुल्क के अंदर अपनी अकीदत की बुनियाद के ऊपर किसी मसले को लाएगी, वहां हकीकत और सबूत शवाहिद को नहीं देखा जाएगा,
بلکہ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اکثریت کی عقیدت مندی کیا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا تو ملک کیسے چلے گا۔ یہ ایک بات ہے سوچنے کی۔ ہم صرف اتنی ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر روش یہی چلے گی تو چاہے وہ کسی بھی اقلیت کا فرد ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ جین ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی مسئلے کے اندر اس کو فیصلہ نہیں ملے گا اگر مقابلے کے اندر تناؤ ہے اور اس کے اندر عقیدت کے عقیدت اکثریت کی اس کے اندر دخل رکھتی ہے تو اس کے اندر اس کے مقابلے کے اندر قانون بیکار اور بے اثر ہو جائے گا۔ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھدار اور بڑے بڑے وکلاء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے نے بابری مسجد کے جو راستہ کھولا ہے کہ عقیدت کی بنیاد جب کبھی مقابلہ ہوگا تو قانون اس کے مقابلے کے اندر ہیج ہو جائے گا، تو پھر لوگ آپ پڑھاتے کس لیے ہیں؟ لائبریریوں کے اندر آپ کے ہزاروں کتابیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ ان کو آگ لگا دیجئے۔ یہی مسئلہ ہے، یہ ملک کا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا المیہ ہے کہ اس ملک کے اندر آج مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مسئلے کی بنیاد لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک عقیدت کے اوپر ہے، قانون کے اوپر نہیں ہے۔ میں اس کو بہت بڑا المیہ سمجھتا ہوں، اور ایک یہ داہیہ ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو سوچنا چاہیے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باگڈور ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ مسئلے ملک کو کدھر لے کر کے چلنا ہے۔